एग्जाम के रिलेटेड उसका अभ्यासक्रम भी देखेंगे और पेपर पैटर्न भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे डूब समय में हमारा एग्जाम आ रहा है ना, तो आप सब लोग घर पे पूरी उसकी तैयारी करना, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, अभ्यासक्रम भी देखना है और पेपर पैटर्न भी हम आज देखेंगे, ठीक है। किस टाइप का पेपर आएगा, वैसे तो आप सबको पेपर मिल गया होगा है ना, कि सैंपल पेपर आपको, तो हम वही सैंपल पेपर आज सीखेंगे कि कौन से प्रश्न कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सैंपल पेपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा अभ्यासक्रम। तो हमारा अभ्यास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7 चैप्टर तक हमारा अभ्यासक्रम है, ठीक है। यानी कि आपको 7 चैप्टर तक की तैयारी करनी है। तो हमारा प्रश्न पहला है, दिए गए स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखिए, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि स्वर और व्यंजन को अलग करके इसमें लिखना है, ठीक है। और जैसे कि पहला अक्षर हमारा है म, तो म है वो स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है, तो हम किस में लिखेंगे, व्यंजन में, ठीक है। इसी तरह आपको ये सारे शब्द को पहचान कर उसे सही बॉक्स में डालने हैं। और इसके मार्क है 5, कितने हैं, 5 मार्क्स, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, अक्षरों को मिलाकर लिखो, यानी कि ये सारे शब्द को हमें मिलाकर लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको सारे, जैसे कि ये क है, क ल म, ऐसे सारे शब्द को मिलाकर लिखना है। इसके मार्क है 8, कितने हैं, 8, ठीक है, 8 मार्क, कितने हैं, 8। और हमारा तीसरा प्रश्न है, चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाएं। तो हमें क्या करना है कि चित्र को पहचानना है और उसके नाम दिए गए हैं, जो सही नाम है उसके ऊपर हमें सिर्फ सही का निशान लगाना है। जैसे कि ये कौन सा चित्र है बताओ, कौन सा है, बस का है ना, तो बस जहाँ पे लिखा है वहां पे हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सारे चित्र को आपको पहचान कर उसके सही निशान लगाने हैं। और उसके 6 मार्क है, कितने हैं, 6, ठीक है। और हमारा चौथा प्रश्न है, क्रमानुसार बालाक्षरी लिखे, बालाक्षरी लिखे, तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे खाली जगह दी है जहाँ पे हमें क्रमानुसार लिखनी है। जैसे कि क के बाद कौन सा आता है, का, क्या आता है, का, तो का, फिर की बड़े ई की मात्रा, ठीक है, फिर छोटे उ की है, फिर बड़े उ की आएगी, इसी तरह आपको सारे 12 अक्षर लिखनी है, ठीक है। इसके 4 मार्क्स है, कितने हैं, 4। और फिर हमारा पांचवा प्रश्न है, आ ओ औ और अम की मात्रा लगाइए, आ ओ औ और अम की मात्रा लगाइए। तो इसमें जो भी मात्रा आएगी, जैसे कि अरम, तो अरम नहीं आएगा, क्या आएगा, आ राम, तो कौन सी मात्रा लगी इसमें, आ की मात्रा, ठीक है। तो आ की मात्रा लगाकर आप इधर लिख सकते हो, आ राम, ठीक है। ऐसे ही सारी मात्रा लगाकर आपको लिखना है। और इसके भी 4 मार्क्स है। और हमारा छठा प्रश्न है, चित्र उनके नाम से मिलाए, चित्र को उनके नाम से मिलाए। जैसे कि हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो वो कौन सा है, वो नाम आपको पहचान कर यहाँ पे हमें उसको जोड़ना है। जैसे कि ये कौन सा चित्र है बताओ, जैसे कोई नमक कर रहा है ना, तो कौन सा आएगा, ठीक है, ये कौन सा है, अंगूर, ठीक है। उसी तरह आपको इसको भी पहचान के यहाँ पे लिखना है। ये हमारा फाइनल पेपर नहीं है, लेकिन पेपर की जैसा है सैंपल पेपर, इसलिए आपको समझना जरूरी है। इसका भी हम 4 मार्क्स है। फिर है
चित्र पहचान कर उनके नाम उसके नाम पूरे कीजिए। ठीक है, तो चित्र आपको दिए गए हैं, उसको पहचानना है और उसका नाम जो है वो आधा लिखा है, तो आपको वो पूरा करना है। जैसे कि ये कौन सा चित्र है? थैला। क्या है? थैला। तो यहाँ पे क्या आएगा? थैला। ठीक है, और ये कौन सा है? पैर। तो आपको इसके यहाँ पे जगह को भरना है। और हमारा है सोचो समझो, समझो आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन सोचो समझो और मिलान कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मात्रा के साथ जोड़ना है। जैसे कि इसमें कौन सी मात्रा दी गई है बताओ? क्या आएगा? ये है ना, आई की मात्रा है इसमें, और इसमें किसकी मात्रा है? अहा की। तो हमें उसके साथ जोड़ना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ये थे हमारे 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया किसकी कितने मार्क्स है? इसके भी 4 मार्क्स है। ठीक है, तो कुल गुण है हमारा 40। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझना है। सभी में ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन आपको चुनकर भरना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। और आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।